कोई चुनाव जब राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले ले और राजनीतिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन की शक्ल ले ले तो एक नई रफ्तार बनती है, एक नई जो गति है वो मिलती है, नई सांस मिलती है, नई धड़कन मिलती है और उसका एहसास होता है बेगूसराय के इस गांव में पहुंचकर। रात को 11 बजे से ज्यादा टाइम हो गया है और कन्हैया कुमार जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं सीपीआई के, वो अभी पहुंचे नहीं है, उनका घर है, लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनके बिना भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लगातार लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्म जाति और कई लोगों का मानना है कि वो सिर्फ सीपीआई के मेंबर नहीं है। ये लड़ाई कैसे चलेगी, क्या गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ ये बड़ी लड़ाई बन पाएगी या जो गठबंधन है महागठबंधन वो इसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा लग रहा है कि रात को 11 बजे भी लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, उस नेता के लिए जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं। सर कैसा लग रहा है आपको ये? हम यहाँ आए हुए हैं एक हफ्ता सर जी, कन्हैया कुमार से अभी तक मिले भी नहीं है। मिले भी नहीं है। एक्स एमपी डॉक्टर एजाज अली के रहनुमाई में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से हम लोग मूवमेंट करते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग इसलिए आए हैं कि कन्हैया के विचार से, कन्हैया का जो एम इन ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग बहुत सहमत हैं। हमें लगता है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक चीज समझा दिया गया, यहाँ लालू प्रसाद के जो कैंडिडेट हैं वो नकली सेकुलर हैं, यहाँ असल लड़ाई जो लड़ रहा है वो तक तो लालू यादव मुसलमानों के असली लीडर थे। समझ में आ जाएगा, अब आ भी रहा है आ भी जाएगा। आप एमएलए भी हैं, आपको लगता है पॉलिटिकल बैटल जो है, साहब कह रहे हैं बहुत जोश में, लेकिन केवल जोश से चलती है? नहीं, देखिए पॉलिटिकल बैटल जोश से नहीं चलती है, ये बात सही है, लेकिन कन्हैया के विचारधारा पर ही लोग यहाँ पर आए। यहाँ एनसीपी से भी एमएलए हैं, यहाँ केरला से भी है, हम सीपीआई के मेंबर नहीं है लेकिन हम लेफ्ट पार्टीज के मेंबर हैं। हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया, हम लोग खुद ब खुद यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो ऐसी आवाज पार्लियामेंट में उठे जो मजदूर किसान एवं दबे कुचले लोगों का आवाज बन के उभर सके। पिछली बार आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं तनवीर अख्तर साहब, वो 4.25 लाख वोटों के करीबन वोट लिए थे उन्होंने, 50,000 वोटों से हारे, तो इतने मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ आप ये कहेंगे कि कन्हैया कुमार को नहीं उतरना चाहिए था या कन्हैया कुमार को नहीं उतरना चाहिए था तनवीर अख्तर के खिलाफ? नहीं नहीं, कन्हैया कुमार तो अभी पूरा देश का नेता है और वो जो है अभी यहाँ पे जो है हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं वो 100% जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? उनके बात से हम बिल्कुल सहमत है। हम लोग भी आए हैं, बिना बुलाए हुए आए हैं, हम लोग झारखंड से आए हैं और हम लोग मजदूर नेता भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नवयुवक हमारा जैसा सांसद में रहो जो मजदूरों का भी बात उठाए, जो हमारा आवाज दबाया जा रहा है, ऐसा ही नया नेता हम लोग को चाहिए। नेता चाहिए। आपको लगता है कि नौजवान नेता से कुछ काम बन पाएगा? उनसे जेएनयू थोड़ी ही है, भारत में जितने भी नौजवान हैं उनसे काफी प्रभावित है और एक अपना आदर्श मान के चल रहे हैं कन्हैया कुमार को और वो आगे चल के नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, गरीबों के लिए हक के लिए लड़ने वाले हैं संसद में जाके, यही वो आवाज है जो वहाँ जाकर गूंजेगी। आपको लगता है संसद में पहुंचना इतना आसान काम है? जेएनयू के छात्र संघ का चुनाव लड़ना और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना एक ही बात है क्या? आसान तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में एक ही बात बोलूंगा कि 100 गूंगों को भेजने से अच्छा है कि कन्हैया कुमार को संसद में आपको लगता है कि? सर हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं जी सर। क्या करने आए हैं आप दिल्ली से? कन्हैया कुमार का समर्थन, एक ऐसी आवाज को संसद में भेजना चाहते हैं जो दलित समाज, पिछड़ा हुआ समाज और जो गरीब तबका है, जो किसान है, जिनके विषय में वर्तमान सरकार जो वादे करके उनको पूरा नहीं कर रही, उस आवाज को उठाने के लिए एक आज एक ही आवाज है जो कन्हैया कुमार कर सकता है, अपने साथ नौजवानों को लेकर उस आवाज को खुद संसद में पहुंचकर उठा सकते। तो लगता है कि अकेला उम्मीदवार है जिसकी लड़ाई जनता लड़ रही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। वो जनता की लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यही तो उम्मीद है लोगों की कि अब जो सियासत होने जा रहा है धर्म से नहीं होगा, ऊंच नीच से नहीं होगा, जात पात से नहीं होगा, अब एक नई दिशा। फिर आपको कहेंगे कि मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, फिर आप इस पर वोट करने लगे, फिर कन्हैया कुमार की बात नहीं, अब समाज इस सवाल को लेकर नहीं खड़ी है, अब रोजी रोटी और तालीम को लेकर जो है सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर कन्हैया कुमार उम्मीद है कि खड़े उतरेगा। जी आप कहाँ से आए? बिरनिया बाजार बरौनी 3 से। बरौनी से आए हैं, यहीं से हैं। तो क्यों आप आए हैं कन्हैया कुमार के लिए? कन्हैया भैया नहीं, हम लोग काम करके आए हुए हैं, हम लोग अपना पैसा से टी शर्ट छपवाए, टोपी छपवाए, टी शर्ट छपवाया, नेता नहीं बेटा चाहिए, हम छपवाए समस्तीपुर में,
100 पीस छपाए थे। अच्छा अच्छा। हमको ऐसा नेता आज तक मिलवे नहीं किया जो मेरे पापा बोले बेटा तुम इसके साथ रहो जो आपको आगे तलक बढ़ाए, सही रास्ता दिखाए। सही रास्ता। हाँ, आपको लगता है कि सही रास्ता दिखाएंगे? बहुत सही रास्ता दिखाएगा, बहुत सही। कन्हैया कुमार शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही गरीब की दबे कुचले की आवाज लेके उभरे, आज पूरा देश के नेता वो बन चुके हैं। इसलिए बेगूसराय का एक हर युवा वर्ग जो है किसी भी जाति से हो, आज जात की बात खत्म हो गई है, पार्टी की बात खत्म हो गई है, सिर्फ कन्हैया, सिर्फ कन्हैया। आपको लगता है कि जेएनयू में जब बात हुई तो ये कहा गया कि उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा भी हुआ, सेडिशन का भी मामला हुआ, और लोग बहुत सारे लोग उनके खिलाफ ये बनाते रहे कि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के लोग हैं। देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है ये कोर्ट इसका डिसीजन लेगी, और कोर्ट डिसीजन ले चुकी। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको अपने अपने तरह से बात रखने का अधिकार है। और जहाँ तक बात है कन्हैया कुमार की तो पूरा देश जान चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ पर ये जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कन्हैया का सपोर्टर हूँ। कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ नेता है और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है कन्हैया। कन्हैया हिंदुस्तान की और नेता नहीं बेटा चाहिए। इस तारीख को कि जब यहाँ के लोग वोट डालेंगे गिरिराज सिंह और तनवीर अख्तर और कन्हैया कुमार के बीच में, लेकिन इतना तय है कि कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ भूचाल तो आने लगा है। इंकलाब जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।